अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आए हैं साउथ इंडिया की, डोसा। और ये घर में बहुत ही आसानी से बन जाएगा और बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ये देखिए कितना क्रिस्पी बना, ये आवाज़ आप सुन सकते हैं। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना। तो चलिए फिर बनाते हैं, बताते हैं इसमें क्या क्या डलेगा और कैसे बनता है। एक कप हमने ये उड़द की दाल ली है धुली हुई, इसी में 3 कप चावल डाल देंगे हम। अब इसको हमें अच्छे से धो के भिगो देना है और इसे हमें करीब 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देना है। अब ये 5 घंटे हो गए हैं और ये दाल और चावल जो हमने भिगोया था ये बिल्कुल अच्छे से भीग गया है। अब इसको हम पानी इसका हम निकाल देंगे और इसका हमें पेस्ट बनाना है। एक जार लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे, गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, पानी अपने हिसाब से डालेंगे। ये हमने पेस्ट तैयार कर लिया है और ये देखिए कितना अच्छा बैटर तैयार हुआ है। इसी टाइप से आपको सारा पीसना है, हम और बाकी का भी पीस लेंगे और बहुत ही महीन इसका पेस्ट बनाना है हमें। एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें पेस्ट हम डाल देंगे क्योंकि इसको ओवरनाइट हमें रखना है तो ये फूलेगा, फूलने के बाद ये ऊपर तक आ जाएगा, इस वजह से हमें बर्तन बड़ा लेना पड़ेगा। अगर गर्मी है तो ये 5-6 घंटे में हो जाएगा। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक भी डाल देंगे। अब इसको हम ओवरनाइट रख देंगे। ये हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसमें हम 1/2 कप करीब पानी डाल के इसको थोड़ा सा घोल लेंगे। इसमें पानी डाल लिया हमने और इसको अपने हिसाब से अच्छे से इसको घोल लेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक डालेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें और इसको अच्छे से मिला दें। ये हमारा डोसे का बैटर तैयार है बिल्कुल डोसे बनाने के लिए। देखिए इतना गाढ़ा करेंगे इसको, इससे हम इडली भी बना सकते हैं इसी बैटर से। अब ये मसाला बनाने के लिए तैयारी करते हैं। ये आलू है 1/2 किलो जो हमने इनको छील लिए थे बॉयल करके, बॉयल आलू है। ये ज़ीरा है 1 टीस्पून और ये राई है 1 टीस्पून। ये 4 बड़े टमाटर है हमने इस साइज के काट लिए थे। 5 से 6 हरी मिर्च हैं, इनको मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिए हैं। और 1 प्याज ही, ये हमने स्लाइस काट लिए इस टाइप से। और ये 1/3 करीब सरसों का ऑयल है और ये 1/2 कप दाने हैं मूँगफली के। अब बनाना शुरू करते हैं। इसमें ऑयल डालेंगे, गैस ऑन कर ली हमने। अब तेल गरम हो गया, इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे और राई भी डाल देंगे। राई हमारी लटकने लगी थी, प्याज डाल देंगे और ये करी पत्ते डालेंगे, करीब 15 पत्ते डाल देंगे। तो 1 मिनट तक भूनेंगे। अब 1 टीस्पून इसमें हल्दी डालेंगे। ये हरी मिर्च डाल देंगे जो हमने काटी थी। अब टमाटर भी डाल देंगे। हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप अगर तीखा खाते हैं तो डाल लें। अब ये आलू डाल देंगे जो हमने ये बॉईल किए थे, आपको दिखाए थे, इनको हमने मैश कर लिए हैं। वन टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे, नमक भी आप अपने हिसाब से डालें। और ये 1 टेबल स्पून सांभर मसाला डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें। अब ये तैयार हो गया, इसको हम एक साइड रख देंगे, गैस बंद कर देंगे। डोसे की फीलिंग में डालने के लिए हमने 2 प्याज काट लिए थे आमलेट कट, और ये जो दाने आपको दिखाए थे हमने मूंगफली के, ये भी हमने फ्राई कर लिए हैं गोल्डन कलर के, और ये भी हम डोसे की फीलिंग में डालेंगे। अब डोसा बनाना शुरू करते हैं। एक पैन गैस में रखेंगे, ये डोसे वाला पैन है, नॉर्मल पैन में भी बना सकते हैं। पैन गर्म हो गया है, इसको एक कॉटन के साफ कपड़े से हम इसको पोंछ लेंगे। अब इसमें हम डोसे का बैटर डालेंगे और ये इस टाइप का ग्रेवी वाला चम्मच ले लेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से इस टाइप से इसको फैला देंगे। ये देखिए बिल्कुल बहुत हल्के हल्के हाथों से इस टाइप से इसको फैला देंगे।
अब ये एक साइड से सिक गया, इसमें हम तेल लगा देंगे हल्का हल्का सा, आपको ज़्यादा लगाना है या जिस टाइप का आपको सेकना है। ये देखिए अभी सिक रहा है और ये ऊपर से ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, तो अब ये हम इसको 2 मिनट तक सेकेंगे, फिर इसको हम आपको पलट के बताएंगे। ये देखिए कितना क्रिस्पी, कितना अच्छा हुआ है। अब इसमें हम फीलिंग डालेंगे इसकी, ये देखिए इस टाइप से, इसको इस तरह से लंबाई में इसको फैला देंगे और ये जो हमने आमलेट कट प्याज काटी थी इसको ऊपर से डाल देंगे और मूंगफली के दाने भी डाल देंगे। अगर आपको नहीं है ये पसंद तो आप ना डालें इसको। अब इसको इस टाइप से हम मोड़ देंगे, दूसरे वाले में भी इसी तरह से डालेंगे और इसको भी इस तरह से मोड़ देंगे। चटनी ये देखिए कितना अच्छा और कितना क्रिस्पी डोसा बना है हमारा। आप इसको नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। और ये हमारा सांभर भी है, इस सांभर की रेसिपी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, इसका लिंक मिल जाएगा आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये नारियल की चटनी, इसकी भी रेसिपी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल देंगे हम। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो डोसे की तो हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।